असल यूर स्टूडेंट्स होप यू आर ऑल फाइन इस लेक्चर में हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे तो वहाँ आप जान गए कि जो इन्वेस्टमेंट होती है ये वो ख़र्चा होता है ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो एक प्रोड्यूसर खर्च करता है फॉर परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स जैसे प्लांट है मशीनरी है और ऐसी वो चीज़ें वो चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर ड्यूरेबल्स विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन न्यू कंस्ट्रक्शन है चेंज इन इन्वेंट्रीज है राइट right? और ये भी आप जान गए कि इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है एक इंड्यूसड इन्वेस्टमेंट होती है और दूसरी ऑटोनस इन्वेस्टमेंट होती है ठीक देखिए जिसके पास थोड़ा बहुत सरमाया हो कैपिटल हो पैसा हो वो चाहता है कि ये पैसा बेकार नहीं रहना चाहिए और जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है प्रोडक्टिव चैनल्स में पैसा लगाया होता है उनकी भी कोशिश रहती है कि वो फर्दर इन्वेस्ट करें अब ये जो तो इन्वेस्टमेंट है इफ समबडी वांट्स टू इन्वेस्ट ही कीप्स थ्री थिंग्स इन माइंड डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं, देर आर थ्री इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट these determinants are in the form of revenue from the investment, cost of investment, and business expectations. let us discuss these points one by one. first is revenue from investment. Deke, jo revenue from investment is expected return bhi yeah, simply expected return. what does this mean? Yeah, what does this mean? देखिए इन्वेस्टमेंट का मतलब भी होता है एक्सपेंडिचर अंडरटेकन टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रोडक्टिव कैपेसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना इट विल बी अंडरटेकन ऑनली इफ इट जनरेट एडिशनल रेवेन्यू अगर इन्वेस्टमेंट एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करती है यानी जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया इससे ज्यादा अगर आपको मिलता है इट इज फीजेबल

देखिये कोई भी इन्वेस्टमेंट इट कॉस्ट इट हैज टू कंपोनेंट्स। नंबर एक होता है कास्ट ऑफ प्लांट इक्विपमेंट, जिसे हम सप्लाई प्राइस कहते प्लांट और इक्विपमेंट एंड दूसरा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन द फंड्स बारोड फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट ठीक इट इज कास्ट सप्लाई प्राइस प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए हाईली का जो हायर कास्ट होते हैं दे रिड्यूस द सेपरेट ऑफ इन्वेस्ट हाईली कास्टस इनवेबली रिड्यूस द सेपरेट टू इन्वेस्ट इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इज रिड्यूस्ड इफ अदर थिंग यही वजह होता है कि बैंक इन्वेस्टमेंट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लो कर दैंक लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू तो अट्रैक्ट मोर बार्स और हर गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सस्ते दामों पर कैपिटल मनी अवेलेबल हो और वो उनके लिए एज इंसेंटिव काम कर ठीक तो ये दूसरा इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैन वी है बिजनेस एक्सपेक्टेशन देखिए इन्वेस्टमेंट इज ए प्रेजेंट एक्सपेंडिचर फॉर फ्यूचर गेंस आज हम पैसा किसी काम में लगाते हैं तो ये पैसा कब आता है हमें वापस इन फ्यूचर लेकिन फ्यूचर अनसर्टेन होता है इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के लिए होती लेकिन फ्यूचर क्या है फ्यूचर अनसर्टेन है सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एक्सपेक्टेशन ये जो बिजनेस एक्सपेक्टेशंस होती व्हाट द बिजनेसमैन मैन एक्सपेक्ट दो तरह की होती वी हैव बी एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेशन, एम्प्लाइंग दैट दे एक्सपेक्ट प्राइसेस टू गो डाउन इन द नियर फ्यूचर बी में प्राइसेस डाउन होने लगते बिजनेसमैन मैन एक्सपेक्ट दैट प्राइस विल गो डाउन इन द फ्यूचर और दूसरा होता है बुलिश एक्सपेक्टेशम्प्लॉइंग दैट दे एक्सपेक्टेड प्राइस राइज टू गो अप इन द नियर फ्यूचर ठीक है ना और bullish investment, bullish expectations, ये जो बुलिश इन्वेस्टमेंट है बुलिश एक्सपेक्टेशन है ये इन्वेस्टमेंट को प्रॉम्प करते हैं दैट्स इन्वेस्टमेंट इज प्रॉम्प्टड बाई बुलिश एक्सपेक्टेश बिजनेस मैन इन्वेस्टमेंट में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रोल निभाती बिकॉज पैसा इन्वेस्ट करना इट्स रिस्क। वैन यू रिस्क मोर यू गेन मोर राइट दूसरी बात इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन यूर एक्सपेक्टेश्पेक्टिंग डाउन विल नेवर गेन बिकॉज आप डरे हुए होते आप अपना पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होते यानी यू आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्क on the other hand, the people who have good expectations in the form of bullish expectations, they gain because they take the risk. but risk-bearing la reward, reward in the form of profit. right. so 18 is important hai for any investor to keep in mind. that's the revenue from the investment, cost of investment, and the business expectations all the three play an important role in determining investment in any in any project right tomorrow we will discuss another important topic thank you very much have a nice day